हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको पोस्ट डिफाइन वैल्यू को पिक करना बताएंगे पाइथन में। पोस्ट डिफाइन वैल्यू जैसे हम उसको रन टाइम वैल्यू भी बोल सकते हैं, ताकि हम जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद वैल्यू को एंटर करवाना हो तो उसके लिए हमको चाहिए पोस्ट डिफाइन वैल्यू। क्योंकि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहे, वेबसाइट में काम करना चाहे, उसमें सभी में हमको वैल्यू वो चाहिए जो हम बाद में एंटर करवा सकें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, वेरिएबल मैंने डिफाइन करा ए, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा, इनपुट बोला एंटर, जो हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहे, एंटर वैल्यू, एंटर नेम एक्सेट्रा जो भी प्रिंट करवाना हो, उसके बाद एंटर करा। हमने देखा कि नेक्स्ट हमारा जो हमने मैसेज लिखा था वही हमारा मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके बाद जो वैल्यू हमने लिखनी है वही वैल्यू हम एज इट इज लिख सकते हैं। जैसे मैंने अगर हेलो लिखा तो उसके बाद वो जो वैल्यू थी वो वेरिएबल ए को असाइन हो गई। अब अगर उस वैल्यू को मैं देखना चाहूँगी, हाँ भाई वो वैल्यू उस वेरिएबल के पास इनिशियलाइज हुआ या नहीं, उसके बाद मैंने करा उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, तो वेरिएबल कौन सा था हमारा, ए। उस वेरिएबल को लिखा और एंटर करा। अगर अब वो वेरिएबल के पास जो वैल्यू दिया था अगर वो स्टोर हो गया होगा तो वही वैल्यू हमारा नीचे प्रिंट करवा देगा। ये था हमारा पोस्ट डिफाइन वैल्यू, यानी कि रन टाइम वैल्यू को कैसे उठाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का क्यों ना हो, हम उसको डायरेक्टली उठाकर उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। जैसे अब अगर मैंने ए का वैल्यू दोबारा से प्रिंट करवाना हो तो दोबारा से प्रिंट करवा सकता हूँ।